वो खड़ी मेरी पास कार, और दो बार इंटरनेशनल ट्रिप पे आ चुका हूँ और आई एम जस्ट ए स्टूडेंट। और आप सोच कर देखो, अगर ये मैं 1 लाख अगर मैं कहीं जॉब पे होता, क्या आपको लगता है कितनी इनकम मिल जाती सर? लेकिन वेस्टीज के बिजनेस के लिए पावर है कि आप उम्र नहीं देखी जाती, आप क्या हो, कैसे हो, किस बैकग्राउंड से हो, मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सिंपल से कानून है, अगर मैं इसको ऊपर से फेंकूंगा कहाँ गिरेगा, आप फेंकोगे कहाँ गिरेगी, प्रधानमंत्री जी फेंकेंगे कहाँ गिरेंगे, बिल गेट्स जी फेंकेंगे कहाँ गिरेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक कानून है। क्या कानून है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का सेम। अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, सेमिनार चैंपियन डे और अपनी अपलाइन से कुछ भी काम करने का, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो भाई देखिए आपको इस चीज़ में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा सकते हो, राइट? कर सकते हैं। यस या नो? कुछ नुकसान दिखा इस चीज़ में? नो सर। ये है आदिल जी, ये वजीराबाद में रहते हैं, स्टूडेंट है। महीने की आमदनी कितनी आई है? 2500। पिछले महीने की 28,000 आई है, 28,000 रुपये। एज देखो, एक इंसान है समीर अंसारी जी, एज 18 साल की उम्र के बाद उम्र में है, 12वीं क्लास पास आउट हुए। और आपको पता है महीने की आमदनी कितनी है? महीने की आमदनी 44,000। राजीव की आमदनी 20 साल की उम्र, महीने की आमदनी 44,000। आप सोच रहे हो, बहुत सारे लोग, राइट? तो सर, जब ये सारे लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? Yes or no? Yes sir. कर सकते नहीं कर सकते? Yes sir. सोच के देखो, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो ही चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है। देखो नुकसान बताता हूँ मैं आपको, डिसीजन लेने में कहानी बताता हूँ आपको क्यों करना चाहिए। एक जंगल के अंदर एक पेड़ होता है, दो बच्चे होते हैं, दोनों बात भाई टोपी गिरेगी और उस टोपी को जो पहनने का जंगल का भविष्यवाणी होती है टोपी के लिए, दूसरा बंदा झपाट से नीचे टोपी पहनने के लिए, दूसरा होता है भाई जंगल का राजा शेर क्या मर गया तो तुझे राजा बनाएंगे। तो जो इंसान बंदा टॉपी पहनने के ऊपर आता है उससे बोलता है कि देख भाई ताऊ, अगर मैं राजा बन गया तो ठीक, क्योंकि भविष्यवाणी होनी थी, टॉपी गिरनी थी, गिरी। अगर मैं राजा बन गया तो ठीक, तो तू भी बनता। लाइफ में जो चल रहा है वो तो चल रही है, लेकिन अगर लाइफ में आप एक्स्ट्रा कुछ चीज ले लोगे तो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते। ये सर आप बहुत अच्छे एथलीट हो, लेकिन आप किसी रेस में पार्टिसिपेट ना करो तो कितने परसेंट चांस है कि आप उस रेस को जीत जाओगे? आप नॉर्मल कच्चा पहन के गली के अंदर दौड़ते हो, और अगर आप उस रेस में पार्टिसिपेट करोगे तो कितने परसेंट चांस है उस रेस को जीतोगे? चांस तो है। तो आप एक बात बताओ, समझदारी किस में है, पार्टिसिपेट करने में नहीं करने में? नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर कर लिया और 1 लाख रुपये महीना आ गई, विदेश यात्रा कर ली, आज से 10 लाख की गाड़ी आ गई, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। किस्तों में ज्यादा वजन है, नहीं कर नहीं हुआ तो या हो गया तो? तो समझदार इंसान क्या करेगा? और आप लोग समझदार हो, समझदारी हो, बेवकूफ तो नहीं हो? तो माय डियर फ्रेंड, आप स्टार्ट करिए मिलके, बहुत बड़ा करना है, यूथ का एक डंका बजाने हिंदुस्तान के अंदर। और मैं सच बता रहा हूँ, जो आज नहीं कर रहे हो आने वाले टाइम में करें, क्योंकि भैरों को दबा के सुनाएंगे, राइट? भैरों को दबा के सुनाएंगे, जो आज नहीं करेंगे वो बाद में करेगा, आपके चेक देख के करेगा, हमारे चेक देख के, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।